हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिग्मा एन टू आर वेयर आर इक्वल टू जीरो सी, यानी कि कॉम्बिनेशन एन कॉमा आर इक्वल टू। यहां पर फोर ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देख लेंगे एक बार। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है कि 1 + x^n का एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी जीरो x^0 + n c1 x^1 n c2 x^2, और ऐसे ही ये चलती रहती है। कब तक? लास्ट में, जब तक हमें नहीं मिल जाता n c n x^n। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसमें लेट कर लें x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू अगर 1 कर लें, तो यहां पर देखिए LHS और RHS में x को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, देन वी विल गेट 1 + 1 to the whole power n, क्योंकि हमने x को रिप्लेस कर दिया 1 से। इक्वल टू में कितना आ जाएगा, nc0, और x यानी कि 1 to the power 0, 1 to the power 0 कितना, 1 ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा nc0 प्लस, यहां पर भी देखिए x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे, मल्टीप्लाई होगी 1 to the power 1, 1, और मल्टीप्लाई होगी, देन वी गेट nc1 एंड यहां पर nc2, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। लास्ट में हमें क्या टर्म मिल जाएगा, nc n। ठीक है, अब देखिए 1 + 1 कितना हो गया, 2 to the power n इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें समेशन की फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन आर इक्वल टू 0 से कहां तक चल रहा है, एन तक। देखिए 0 से लेकर के एन तक चल रहा है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एन सी आर से। तो इस एन सी आर में आर की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से एन तक है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए 2 to the power n इज इक्वल टू सिग्मा या समेशन आर टू 0 to n। एन सी आर को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी एन कॉमा आर। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में बोला भी गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 to the power n। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू कितनी, 2 to the power n, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।